कराची ट्रैफिक पुलिस की गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद रजा मेट्रोपोल अवारी टावर के करीब मौजूद हैं, जहां फैंसी नंबर प्लेट्स, रंगीन और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी है। जी रजा, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मेन मेट्रोपोल पे मौजूद हूँ। हमारे साथ डीएसपी सदर मौजूद है गयाज अहमद, उनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और कितनी अब तक गाड़ियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। ये तकरीबन 4-5 महीने से हम मुतवातिर जो है वो चलान कर रहे हैं। उसमें फैंसी नंबर प्लेट है, टेंटेड ग्लास है, रिवॉल्विंग लाइट्स हैं, विदाउट हेलमेट है, ओपन ट्रांसफर लेटर जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हमने कुछ दिन पहले जो है वो मुहिम चलाई थी अवेयरनेस की, कि लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी जो ओपन लेटर में चल रही है या जो टेंटेड ग्लास है या ग्रीन नंबर प्लेट है वो ना लगाएं, खुद ही रिमूव कर दें। उसके बाद जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद हमने फिर सख्ती शुरू कर दी। जी बिल्कुल, अब आम तासुर ये पाया जाता है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको नहीं रोका जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों को भी यहां पर रोका जा रहा है। जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनको यहां पर उतारा जा रहा है, जो शीशे काले किए गए हैं उनको भी यहाँ उनको रिमूव किया जा रहा है, और बाकायदा कुछ लोगों को तंबीह भी की जा रही है कि वो कानून की पासदारी करें, और इस वक्त भी ये क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जी।